नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो हर लेडीज सफ़र करती हैं, जिनको ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेन होता है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स इतना पेन क्यों हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं। तो अगर हम मेडिकल टर्म यूज़ करें तो इसको डिसमेनोरिया बोला जाता है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि क्यों पेन होता है, इसके बारे में मैं अभी बातें करूँगी, आपको समझाऊँगी कि आखिर पीरियड्स के दौरान पेन क्यों होता है। तो जो भी फीमेल्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, जिनकी एज 15 से 50 के बीच में है, वो जिनको पीरियड्स आते हैं, वो उनको सफ़र करना होता है, दर्द उनको बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, तो ये बॉडी टू बॉडी वेरिएट करता है। अगर डिसमेनोरिया जो है वो टू टाइप्स की होती हैं, पहला प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी। अब प्राइमरी किस में आएगा, जिनको ड्यूरिंग पीरियड्स ही पेन हो रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है फीमेल्स में, तो उसको हम प्राइमरी डिसमेनोरिया बोला जाता है। या अगर किसी को पीरियड से पहले ही दर्द हो रहा है, 10 दिन पहले से ही दर्द होना स्टार्ट हो गया है, और पीरियड्स के दौरान भी हो रहा है, और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी उनको पेन हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी डिसमेनोरिया बोला जाता है। अब सेकेंडरी डिसमेनोरिया के पीछे क्या रीज़न्स है, आखिर क्यों हो रहा है, पीरियड से पहले भी, पीरियड्स के बाद भी उनको पेन कंटिन्यूस होता रह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिनको यूट्रस बोला जाता है, यानी कि बच्चेदानी, उनमें क्या हो गया है, या तो फाइब्रोसिस हो गया है या तो एडिनोमायोसिस हो गया है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर गांठ बन जाना, या PID यानी कि पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यानी कि जो उनका जेनाइटल ऑर्गन है उनमें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, उसके वजह से भी अगर उनको पीरियड से पहले या पीरियड्स ख़त्म होने के बाद पेन हो रहा है, तो इसको सेकेंडरी डिसमेनोरिया बोला जाता है। अब बात आती है कि आखिर पीरियड्स के दौरान पेन क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या है। तो इसके पीछे एक प्रोस्टोग्लैंडिन नाम का कंपाउंड होता है। जब पीरियड्स आता है, ड्यूरिंग पीरियड्स, हमारे बॉडी में क्या, अगर हम साइकोलॉजिकली देखें या फिजियोलॉजिकली देखें, तो एक एक्टिव लिपिड कंपाउंड की एक फैमिली होती है। जब पीरियड्स आता है तो इंडोमेट्रियम से वो क्या होता है, उससे कनेक्ट होता है, सेल्स जो होते हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके वजह से उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब पेन होगा, किसी किसी फीमेल्स में पेन होगा, किसी किसी फीमेल्स में वॉमिटिंग होगी, नोज़िया होगा, सर दर्द होगा, भारीपन उनको फील होगा, गैस बनेगी, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं डिसमेनोरिया, अगर किसी पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी, अगर कम हो रहा है तो भी, वो बॉडी टू बॉडी वेरिएट्स करते हैं। तो अब इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि प्राइमरी डिसमेनोरिया है या सेकेंडरी डिसमेनोरिया है। तो अगर प्राइमरी डिसमेनोरिया को देखा जाए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि ड्यूरिंग पीरियड्स ही आपको पेन रहेगा, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपको प्राइमरी डिसमेनोरिया है। अगर पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी करीबन 10 दिन 15 दिन आपको पेन हो रहा है, तो वो सेकेंडरी डिसमेनोरिया में आता है। अब अगर पीरियड्स के दौरान किसी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उनको कुछ नहीं करना है, ना पेन किलर यूज़ करना है। अगर आप पेन किलर रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, करीबन हर किसी ना किसी को 5 दिन का फ्लो आता ही होता है, पीरियड्स आते ही हैं, तो उस दौरान लेडीज़ क्या करती हैं कि वो पेन किलर ले लेती हैं। पेन किलर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, क्यों, क्योंकि उनके हार्मोन उसको वो इम्बैलेंस कर देता है। जब हम पेन किलर लेते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं PCOD होने के। तो जब PCOD होगा तो इन फ्यूचर क्या होगा कि उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पेन किलर से बचना है आपको। पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हॉट बॉटल यूज़ करिए, लोअर एब्डोमेन पे मसाज करिए, जिससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। तो ये रही कि आखिर पेन क्यों होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर डिसमेनोरिया क्या है और पेन क्यों होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो, चाहे वो कोई भी डिजीज़ हो, फीमेल से हो या स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, या किडनी या अस्थमा, तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे OPD में मिलना चाहते हैं, तो आप मुझसे OPD में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।